गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता स्लाई पर मैं हूँ संगीता। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जेब्रा केक रेसिपी। एक केक जेब्रा केक नाम से भी परिचित है और इसे मार्बल केक भी बोलते हैं। एक केक देखने में ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पहले भी मैंने एक बार बनाया था बट वो केक एकदम परफेक्ट नहीं बना था, बट ये जो केक है ना ये एकदम परफेक्ट बना है। क्योंकि मैं आपको बताई थी ना मैं कुकिंग चैनल में कुछ भी डालती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद एक स्टैंडर्ड मेथड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं कुकिंग चैनल में कोई भी वीडियो डालती हूँ। ये मेरा एकदम परफेक्ट है और इसमें मुझे पता चल गया कहाँ क्या कमी था, तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है। अब मैं कुकिंग चैनल में डालूंगी ये। सबसे पहले केक टिन में हमने ऑयल ब्रश करके इसमें थोड़ा सा मैदा देके चारों तरफ ऐसे घुमा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसमें क्या है केक बहुत इजीली अनमोल्ड हो जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। थोड़ा सा टैप करने से ये इजीली निकल जाता है। तो अगर आपके पास है नहीं बटर पेपर तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो ना नीचे चिपक जाता है। और एक्स्ट्रा जो मैदा है उसको हम निकाल देंगे। अब केक टिन मेरा रेडी है, इसको एक साइड में रख देंगे। अब मैं इसको कुकर में बनाऊंगी। कुकर में हम डाल दिए नमक, नमक डाल के इसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे और इसे जो कुकर का सीटी और जो रबर है वो निकाल के प्री हीट के लिए 10 मिनट्स रख देंगे। अब हम एक बोल में लेंगे 1/4 कप ऑयल और इसमें मैंने शुगर लिए हैं पाउडरेड शुगर 1/2 कप और इसमें 1 कप मैदा लेंगे और इसमें लिए हैं हमने 1/2 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क देके अगर केक बनाओ ना तो केक का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये मेज़रमेंट आपको थोड़ा सा ध्यान से लेना पड़ेगा और सारे इन्ग्रीडियंट को बहुत अच्छा से मिला लेना है। ये मिलाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना अच्छे से आप मिलाएंगे ना तो केक इक्वली चारों तरफ बेक होगा और अच्छा से स्पॉन्जी होगा, फूलेगा। अगर ये इंग्रेडिएंट अच्छा से नहीं मिलता है तो आपका केक क्या है ना चारों तरफ से इक्वली स्पॉन्जी नहीं होगा। और इसको इस तरह से चाल लेंगे ना, चालने से क्या है इसमें इसके अंदर एयर कॉर्पोरेट होता है तो एक बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी और फ्लॉफी होता है। अब जो मिक्स हमने बनाए थे एक मिक्स को ना हम दूध देके मिक्स किए हैं और इसको 1/2 1/2 कर लेंगे और 1/2 में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हम डाले हैं कोको पाउडर। तो कोको पाउडर डाल के और 2 चम्मच हम डाल देंगे 2 चम्मच मिल्क। मिल्क डाल के बहुत अच्छा से उसको मिला लेंगे जिसमें इसका जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम इक्वल हो जाए। उसके बाद 1-1 चम्मच करके वाइट वाला मतलब जो हमने जिसमें कलर मिलाया नहीं वो डालेंगे और दूसरा बार ये कोको पाउडर वाला मिक्स करेंगे। और उसके बाद देखिए एक पिन के थ्रू हमने इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे और डिज़ाइन को एकदम नीचे से इसको खींचना है और इस तरह से बहुत खूबसूरत इसमें फ्लावर बन जाता है। आप देख सकते हैं इसका जो कंसिस्टेंसी है ना एक केक का थोड़ा सा आमतौर पे जो हम लोग केक बनाते हैं उस केक से थोड़ा सा गाढ़ा रखना पड़ता है क्योंकि अगर इसको पतला बनाएंगे ना तो ये चारों तरफ फैल जाएगा, वो डिज़ाइन नहीं बनेगा। जेब्रा केक नाम है तो जेब्रा जैसे डिज़ाइन नहीं बनता है। और ये देखिए इधर मेरा जो कुकर है वो प्रीहीट हो चुका है। अब हम ये डाल देंगे केक को। इस टाइम ना केक रखने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ता है क्योंकि इस टाइम जो कुकर होता है ना बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, हाथ हमेशा जल जाता है। और इस तरह से कुकर सॉरी पैन को रख के केक टिन को रख के उसको इक्वली अच्छा से हम एडजस्ट कर देंगे। इसका जो केक टिन का जो दियाल है ना कुकर के साथ अटैच ना रहे। आप देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बन रहा है, इसको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं रहता है तो डिज़ाइन थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो ये देख सकते हैं डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, मैं लाइट जला के आपको दिखा रही हूँ। और ये केक आपको हम दिखाएंगे थोड़ा टाइम बाद, बहुत अच्छा से बेक हुआ था। ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं और कितना अच्छा से ये फ्लॉपी हुआ है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एक ए वाला केक बनाने में ना बहुत मज़ा आता है, जब आपका फ्लावर बहुत अच्छा से बनता है ना तो देख के भी बहुत मज़ा आता है। अब हम केक बनाने के बाद घर में डिनर के लिए एक सब्जी पहले से मेरा रखा हुआ है, मैंने 3-4 बजे एक सब्जी बना लिए थे और अभी थोड़ा सा बैगन फ्राई करेंगे।
बैगन फ्राई मेरा हो गया है, छोटा छोटा करके आज मैंने बैगन फ्राई किया। और हम आज डिनर के लिए बना रहे हैं चपाती, थोड़ा सा रोटी बना लेंगे। आज मैं और एक रेसिपी बोल सकते हैं या DIY बोल सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। किचन क्लीनिंग DIY, जो किचन क्लीनिंग DIY इसलिए बोल रही हूँ, ये DIY ऐसा है, अगर आपके घर में छोटा छोटा कॉकरोच आ जाता है तो ये कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आएगा। बिलीव मी गाइस, मैंने ये 1 महीना पहले मेरा किचन में अप्लाई किया था। 1 महीना तक मेरा किचन में, अभी तक 1 महीना से मैंने वो अप्लाई नहीं किया, तो मेरे किचन में एक भी कॉकरोच नहीं है। पहले मेरा किचन में ना छोटा छोटा कॉकरोच का बच्चा जो होता था बहुत ज़्यादा घूमता रहता था, मुझे एक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बट मुझे ये नहीं मालूम था कि इससे ये वाला फ़ायदा होगा, लेकिन मैं अभी देख रही हूँ ये DIY इतना मुझे काम किया, जो मेरे घर में ना किचन में एक भी कॉकरोच नहीं है। तो वो DIY मैं आपके साथ शेयर करूंगी। घर का जो सिंपल सामान है उसी से आप बना सकते हैं, इसमें किचन एकदम चमक जाता है और आपका जो किचन में जो कॉकरोच वगैरह आ जाता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरा किचन तो बिल्कुल कॉकरोच फ्री हो गया है। तो आप लास्ट तक देखिए, अभी मैं ये चपाती बना के आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ये जो नमक है कुकर में जो हम डालते हैं केक बनाने के लिए, इसको हम रीयूज़ करते हैं, इसीलिए ये नमक को हम हमेशा रख देते हैं। ये नमक को अगर कोई प्लास्टिक वाला डब्बे में रखेंगे ना तो वो तुरंत ख़राब हो जाता है, तुरंत नहीं कुछ दिन बाद ना बहुत बुरी तरह से ख़राब होता है। इसको हमेशा ग्लास वाला में रखना चाहिए। मैं ना एक बार वही प्लास्टिक वाला डब्बा में रखी थी और उसके अंदर एक मेरा स्टील का स्पून रह गया था, तो स्टील का जो स्पून है ना वो भी ख़राब हो गया, जंग लग गया और मतलब प्लास्टिक भी एकदम नीचे से ख़राब हो गया था, कि नमक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, तो इसको ऐसे ग्लास वाला ये में हम रख देते हैं, तो इसमें कुछ नहीं होता है। और कुकर को तुरंत मतलब वॉश भी कर लेना चाहिए, नहीं तो इसका नीचे ना बहुत ख़राब हो जाता है, कुकर अगर ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा एक कुकर ख़राब हो गया था। अब मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ आपका पैसा बचाने के लिए, क्योंकि मैं ये करती हूँ बोल के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये है भीम लिक्विड का बॉटल्स, इसका नीचे एक दाग होता है जो मैंने दिखाया, उस दाग तक मैंने लेती हूँ, जो कंसेंट्रेटेड भीम लिक्विड आता है वो ले लेती हूँ। उसके बाद वो दाग के ऊपर थोड़ा सा आपको दिखाया ना, वो दाग के ऊपर पूरा पानी से मैं भर देती हूँ। उसके बाद उसको हिला के अच्छा से इसको जो भीम लिक्विड है उसके साथ अच्छा से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं जो लिक्विड बनता है ना उसको फिर कोई बोल में लेके फिर मैं ऐसे मतलब बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बबल्स आ रहा है उसी वाला ये से। तो इसको क्या है, थोड़ा सा अगर डाइल्यूट कर लेते हैं ना, पूरा आपका मतलब काफ़ी दिन चलता है। कंसनट्रेटेड वाला अगर यूज़ करेंगे ना, तो मैंने देखा जस्ट मान लो अगर कंसनट्रेटेड वाला यूज़ करें तो 15 डेज आपका चलेगा, और अगर आप डाइल्यूट करके उसको यूज़ करें हैं तो आपका मतलब हमको लगता है जस्ट डबल चल सकता है ऐसा। पहले मेरा भीम लिक्विड का जो बॉटल था बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था, क्योंकि मैं कंसनट्रेटेड वाला यूज़ करती थी। जब से मैंने डाइल्यूट करके एक बार देखा तो देख रहे हैं ना बहुत अच्छे से क्लीन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कुकर में कितना अच्छे से बबल्स आ गया है। तो ऐसे करने से ना आपका भीम लिक्विड काफ़ी दिन तक चलेगा, बहुत जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा, और इसमें बहुत अच्छा से क्लीन होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है तब तो आपका बर्तन क्लीन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आराम से चलता है। तो मैंने सोचा मेरा बहुत मतलब इससे बहुत फ़ायदा हुआ, मैं सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोग चाहे तो इस तरह से करके आपका बचत कर सकते हैं, आपका मर्जी। खैर मैं डेली ब्लॉगर हूँ बोल के मैं ये शेयर कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे किसी चीज़ का फ़ायदा मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है बताना। जो किसी और को भी हो या कोई अगर इंटरेस्टेड है तो वो कर सकते हैं, मुझे ये कोई बताया नहीं, मैंने खुद से ये एक बार करके देखा तो मुझे लगा ना एक मेज़रमेंट मैंने फिक्स कर लिया है। जैसे वो भीम लिक्विड का नीचे एक दाग होता है बॉटल का, उस बॉटल तक अगर आप लेंगे ना तो बहुत ईजीली ये हो जाएगा। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये DIY किचन क्लीनर।
ये देखिए, ये है एक कोलिन का बॉटल्स, कोई भी स्प्रे बॉटल आप ले सकते हैं। स्प्रे बॉटल लेने से ना बहुत अच्छा रहता है, मैं स्प्रे बॉटल कभी फेंकती नहीं हूँ। इसमें हमने लिए हैं हाफ कप नॉर्मल वाटर, टैप वाटर, और हाफ कप विनीगर। ये विनीगर ना बहुत काम का चीज़ है, ये इतना हेल्प करता है किचन के लिए, किचन हैक्स में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ये डाल देंगे हम बाकी जो फुलफिल कर दिए हैं भीम लिक्विड का, ये डाइल्यूट वाला, ये आप कंसेंट्रेटेड वाला भी डाल सकते हैं। तो उसमें 1 टेबल स्पून कंसेंट्रेटेड भीम लिक्विड डाल के इसको अच्छे से मिला लीजिए, तो इसका आपका तैयार हो जाएगा DIY किचन क्लीनर। इसमें आपका जो किचन है, किचन के जो गैस का जो ये जो बेस है, इसमें भी आप ऐसे करके स्प्रे करके आप 5-7 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद क्लीन करिए, तो देखिएगा इसमें ऑयली ऑयली स्टिकीनेस कुछ भी नहीं रहता है, और आपका जो गैस है ना, गैस का जो बेस है वो एकदम चमकने लगता है। और जो मेरा जो स्लैब है, इसमें भी हम ऐसे करके स्प्रे करके इसको हम पूरा पोंछ लेंगे, तो इसमें क्या है, बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं रहता है। बिलीव मी, आप कॉकरोच के लिए बहुत सारे बाजार से केमिकल्स वगैरह स्प्रे अगर खरीदते हैं तो आपको आज से खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये वाला ट्रिक से ना मेरा तो फायदा हुआ है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो ये एकदम मतलब सच है, नहीं तो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे सच में फायदा मिला है, और इसका ना किचन एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। आपको कुछ मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विनीगर तो बहुत मतलब इजीली कोई भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है, और बहुत कॉस्टली भी नहीं है। तो इससे ऐसे DIY बना के अगर आप क्लीन करेंगे तो आपका बहुत अच्छा से किचन क्लीनर बन जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा गैस थोड़ा सा दूध वगैरह गिर गया था, कितना अच्छा से क्लीन हो जाता है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली जो विनीगर का एक स्मेल होता है ना, इस स्मेल में शायद जो कॉकरोच वगैरह उन लोगों को ना पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए एकदम कॉकरोच नहीं आता है। छोटा छोटा कॉकरोच में ना मेरा किचन एकदम भर गया था। मैं तो इसलिए क्लीनर बनाई थी जो इसमें गैस को अच्छे से क्लीन करने के लिए, लेकिन इसमें ना 2 फायदा हो गया मेरे को। Thank you.
मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग बिल्कुल भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट काम मेरे हस्बैंड के लिए हल्दी वाला दूध देना है। इसमें हमने दूध देके एक चम्मच देंगे शुगर और थोड़ा सा हाफ टीस्पून देंगे हल्दी पाउडर देके मेरे हस्बैंड को देना है। और उसके बाद रात में मैं जाती हूँ ब्रश करने, अभी ब्रशिंग करेंगे। उसके बाद मैं जो मेरा जो हेयर है ना, हेयर को डेली मैं बांध के ही सोती हूँ, कभी मैं हेयर को खोल के नहीं सोती हूँ, नहीं तो मेरा जो बाल थोड़ा लंबा है तो मेरा बाल ना एकदम उलझ जाता है। तो इतना ही मेरा काम बचा है, ब्रश करना और मेरा बाल को बांधना। उसके बाद मेरा भी गुड नाइट हो जाएगा। आई होप गाइज मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यहीं पे मैं आज मेरा वीडियो एंड करती हूँ। तो टाटा।